गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? गुड, ओके। अभी आपने टेस्ट किया था लास्ट वीडियो में, आपने लास्ट वीक में टेस्ट किया था ना? अच्छा टेस्ट किया सभी ने, और आपने आगे भी ऐसे ही अच्छे से स्टडी करनी है, टाइम पे वीडियो को देखना है और अपने होमवर्क को कंप्लीट रखना है, ठीक है बच्चे? अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, है ना, अभी एडवर्ब्स। तो अब हम एक क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, एक स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। आप सबको अच्छा लगता है स्टोरी पढ़ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है स्टोरी सुनना, स्टोरी पढ़ना। तो चलिए, टुडे द टाइम इज स्टोरी टाइम। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। द हंग्री बॉय। हंग्री बॉय मीन्स टू एक भूखा लड़का। हंग्री मीन्स टू भूखा। एन ऑर्फन बॉय लिव्ड विद एन एल्डरली मॉन्क इन अ विलेज टेम्पल। देखो बच्चे, ऑर्फन सबसे पहले क्या वर्ड आया, ऑर्फन। ये क्या होता है, अनाथ, जिसके पेरेंट्स मर गए हो, यानी जिसके मम्मी पापा ना हो। ये एक ऐसा लड़का था। ये किसके साथ रहता था, मॉन्क। मॉन्क होता है बच्चे जो ये साधु होते हैं ना, जो लोग शादी नहीं करते और साधु बन जाते हैं, और ये बहुत सारा ग्रुप इकट्ठे होके रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, इन अ विलेज टेम्पल। देखो, जरूरी नहीं है कि सभी साधु किसी गांव के मंदिर में ही रहते हो, कुछ माउंटेन्स पे भी रहते हैं, कुछ बड़े बड़े तीर्थ स्थल पे चले जाते हैं। लेकिन जो ये ऑर्फन बॉय था, ये अनाथ लड़का था, ये एक गांव के मंदिर में रहने वाले साधुओं के ग्रुप के साथ रहता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द बॉय वेंट टू द विलेज टू कलेक्ट फूड फ्रॉम द विलेजर्स। बच्चे जो साधु लोग होते हैं ना, ये लोग मांग कर अपना गुजारा करते हैं, जैसे भिक्षा मांगते हैं। आप देखते हो ना, ये रामायण देखते हो, और आपने कृष्णा देखा, देखते हो ना सुदामा जी कैसे लोगों के घर खाना मांगने जाते थे। तो जो ये था बॉय, ये क्या करता था, सुबह सुबह उठता, गाँव में जाता था, क्या करने के लिए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए फूड फ्रॉम द विलेजर्स, कि गाँव में रहने वाले लोगों से खाना इकट्ठा करने के लिए हर रोज सुबह गाँव में जाता था। Whatever food he brought back, the kind monk shared equally with the boy. Whatever food he brought back, कि जितना भी वो खाना लेके आता था, या जो भी वो खाना लेके आता था, the kind monk, kind होते दयालु, जो दयालु साधु था, या monk में बच्चे क्या होता है, a group of saints, यानी साधुओं का group, वो क्या करता था उसके साथ बराबर, equally मतलब बराबर उस लड़के के साथ खाना शेयर करते थे, ठीक है, कि जो भी खाना वो लेकर आता था, जो दयालु साधु थे, वो उसके साथ खाना बराबर शेयर करते थे। ऐसा नहीं है कि उसको कम देते थे और खुद ज्यादा रखते थे, ठीक है। ऑन न्यू ईयर्स डे द बॉय गॉट 16 डंपलिंग्स। न्यू ईयर का दिन आया, नया साल आया, और उस लड़के को क्या मिला, 16 डंपलिंग। अब डंपलिंग क्या होता है बच्चे, अ स्मॉल बॉल ऑफ फ्लोर एंड फैट दैट इज स्टीम्ड। ये ना बच्चे आटे का बना होता है, जैसे आपकी मम्मी मैदे से या गेहूं के आटे से लोट बांधती है ना, और फिर उसको क्या करती है, स्टीम कर लेती है, उसकी चपाती बनाती है, या फिर उसको पकाती है, ठीक है। और ये ऐसी चीज थी जो उसको हमें मोस्टली किसके साथ खाया जाता था, मीट के साथ, किसके साथ, मीट के साथ, ठीक है। सो मैनी डंपलिंग्स, सो मैनी डंपलिंग्स, खुश हो गया वो, इतने सारे डंपलिंग्स। द बॉय सेड लिकिंग हिज लिप्स। लिकिंग होते चाटना, वो अपने होठों को जैसे आप करते हो ना, ऐसे करने लगा, लेट मी सी हाउ मैनी आई विल गेट।
अब मुझे देखने कि मुझे कितने मिलेंगे। He sat down and made two equal piles of dumplings. वह बैठ गया और उसने क्या करा, 16 dumplings के two equal pieces बना दिए। There were 18 each. यानी दोनों को कितने मिल सकते थे, 8-8। ठीक है, उसने क्या करा, 16 थे, 16 को हाफ ऑफ कर दिया, तो 8 बॉय को मिलने चाहिए और 8 किसको मिलने चाहिए, मॉन्क को। ठीक है, द मॉन्क ऑलवेज गिव्स मी हाफ। उसको क्या पता था कि जो भी मैं लेके आता हूं, जो साधु है वो मुझे हमेशा आधा देते हैं खाने के लिए। सो आई विल ईट द शेयर्स दैट माइन। सो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा शेयर है ना वो खा लूंगा। द बॉय गोबल्ड, गोबल्ड होता है ईट क्विकली, जल्दी से खा जाना। द बॉय गोबल्ड अप 8 dumplings one after the other. वो इतना मतलब dumplings को देखकर लालची हो गया था बच्चे, उसने क्या किया, एक के बाद एक फटाफट अपने 8 पीस खा लिए। He packed the remaining dumplings in a piece of paper and walked towards the temple. अब उसने क्या किया, उन dumplings को एक पेपर में जो बचे हुए थे, 8 तो उसने खा लिए, उसको 16 मिले थे, 8-8 के उसने पीस किए, 8 उसने खा लिए और 8 उसने क्या किए, एक पेपर में रैप कर दिए। एंड वॉक टुवर्ड्स द टेम्पल, और किसकी ओर चल पड़ा, मंदिर की ओर। ठीक है, द डम्पलिंग्स वर डिलीशियस एंड ही कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम। बच्चे कभी कभी क्या होता है, कोई चीज हमारी फेवरेट हो जाती है, हमें कोई चीज बहुत पसंद आ जाती है और हमें एक बार भी उसको खा लेना तो हमारा मन नहीं भरता, है ना। तो अभी उसके साथ क्या हो रहा था, द डम्पलिंग्स वर डिलीशियस, वो बहुत टेस्टी थे, एंड ही कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम, और वो खुद को इसके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। आई विल ईट अ फ्यू मोर, मैं थोड़े और खा लूंगा। ही थॉट, उसने सोचा, अब लालच आ गया ना उसके मन में। ही टुक आउट 4 डम्पलिंग्स एंड एट देम एज ही वॉक्ड। किया उसने, 4 डम्पलिंग निकाले और उनको एट देम खा गया, एज ही वॉक, जैसे उसने चलना स्टार्ट किया। ही वॉक्ड द लिटिल फर्दर बट हिज माइंड वाज स्टिल ऑन द डम्पलिंग्स। अब बच्चे क्या होता है, कोई चीज हमारी फेवरेट हो, जब तक वो फिनिश ना हो जाए ना तब तक हमको सबर नहीं आता, हमको चैन नहीं आता। ऐसे उसको साथ क्या हो रहा था, उसको डम्पलिंग्स इतना पसंद आया, पहले उसने उसके पीसीस किए, फिर वो 8 खा गया, फिर उसके मन में लालच आया, उसने 4 और खा लिए, और अब क्या हुआ, ही वॉक्ड अ लिटिल फर्दर, अभी वो थोड़ा आगे गया था, बट हिज माइंड वाज स्टिल ऑन द डम्पलिंग्स, लेकिन उसका माइंड किसकी तरफ ही था, डम्पलिंग्स की तरफ, किसकी तरफ था, डम्पलिंग्स की तरफ। आई विल ईट हाफ ऑफ व्हाट इज लेफ्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से क्या कहा कि जो बचे हुए हैं ना, हाफ और बचे हुए हैं, मैं वो भी खा लूंगा। ठीक है, ही ओपन द पेपर रैपिंग एंड क्विकली स्वेलर 2 डम्पलिंग्स। उसने क्या किया बच्चे, जिस पेपर में डम्पलिंग्स को रैप किया था उनको निकाला, ओपन किया, एंड क्विकली स्वेलोड, स्वेलोड क्या होता है, निगलना, जल्दी से खाना, और उन दोनों डम्पलिंग्स को वो जल्दी से खा गया। कितने और डम्पलिंग्स, 2 डम्पलिंग्स। Having rarely had such good food, he could not stop himself from eating another one. अब तो बच्चे लास्ट में कितने ही बच गए थे, एक दो और बच गए थे ना, 16 थे, 8 पहले खाए, फिर 4 खा लिए, फिर 2 और खा लिए, अब 2 ही तो बचे। ठीक है, वह अपने आप को वो वाले dumplings भी खाने से नहीं रोक सका। Now there was only one dumpling left for the monk. उसने क्या किया बच्चे, अब कितने डम्पलिंग बचे थे, सिर्फ 1, किसके लिए, मॉन्क के लिए। कितने डम्पलिंग बचे थे बच्चे, सिर्फ 1 डम्पलिंग बचा था। When the boy reached the temple, the monk was surprised to see a single dumpling. कि जब वो मंदिर पहुंचा तो मॉन्क हैरान रह गया देखकर कि उसे सिर्फ आज एक सिंगल डम्पलिंग मिला है। Is this all that you got today? क्या तुम्हें आज यही मिला है, ही आस्क्ड, इसने पूछा, मॉन्क ने पूछा कि क्या तुम्हें आज सिर्फ 1 ही डम्पलिंग मिला है। नो, द विलेजर्स गेव मी 16 डम्पलिंग्स,
द बॉय रिप्लाइड ऑनेस्टली। बच्चे ने ईमानदारी से क्या बोला कि नहीं, जो गांव के लोग थे उन्होंने मुझे 16 डंपलिंग दिए थे। वेयर आर द रेस्ट, द मॉन्क इंक्वायर्ड। अब हम इंक्वायरी कर रहा था मॉन्क, अब हमारी कोई चीज गुम हो जाती है तो हम दूसरों से पूछते हैं ना, ऐसे ही अब मॉन्क पूछ रहा था वेयर आर द रेस्ट कि बाकी बचे हुए कहाँ गए। आई वॉज हंग्री सो आई एट 15 ऑफ देम, द बॉय सैड। अब लड़के ने क्या कहा कि मैं इतना भूखा था कि मैंने उसमें से 15 खा लिए। इज देयर नो लिमिट टू योर ग्रीड, वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे लालच की तो कोई लिमिट ही नहीं है। द मॉन्क क्राइड, मॉन्क चिल्लाया। वैसे तो बच्चे देखो क्राई का मतलब होता है रोना, लेकिन यहाँ पे क्राइड का मतलब क्या है, चिल्लाना, कि मॉन्क उसके ऊपर चिल्लाया। हाउ कैन यू पॉसिबली ईट सो मैनी डम्पलिंग्स, कि तुम कैसे इतने सारे डम्पलिंग्स खा सकते हो। लाइक दिस सेड द बॉय स्टफिंग द लास्ट वन इनटू हिज माउथ। हाउ कैन यू पॉसिबली ईट सो मैनी डम्पलिंग, कि तुम इतने सारे डम्पलिंग कैसे खा सकते हो। लाइक दिस सेड द बॉय, बट लड़के ने क्या कहा, लाइक दिस ऐसे स्टफिंग द लास्ट वन इनटू हिज माउथ, जो लास्ट उसके मुंह में था ना वो उसको खा रहा था, और उसने खाते खाते क्या कहा कि जैसे मैं ये खा रहा हूं ऐसे ही मैंने 15 खा लिए। ठीक है, तो बच्चे देखो हमें स्टोरी से क्या सीखने को मिला। जो भी कोई स्टोरी हम कभी लाइफ में सुनते हैं या देखते हैं या सीखते हैं, हम उससे एक लेसन सीखते हैं। हमने इस स्टोरी से क्या सीखा, वी शुड नॉट बी ग्रीडी, वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चे चलो हम ये कह सकते हैं कि जो वो बॉय था वो लालच में आ गया था, उसको इतनी भूख लगी थी, जबकि जो मॉन्क था वो उसको हमेशा इक्वल खाना देता था, फिर भी उसने नहीं सोचा कि मैं मॉन्क के लिए भी खाना ले जाऊं, और उसने क्या किया अपना लालच देखकर सारे डंपलिंग खा लिए और मॉन्क के लिए कितने बचे, एक। लेकिन उस बॉय की एक क्वालिटी थी, वो क्या थी कि उसने झूठ नहीं बोला, उसने अपने आप को बचाने के लिए झूठ नहीं बोला, उसने क्या किया सच बोला। ठीक है, दिस वॉज द क्वालिटी ऑफ अ बॉय। नाउ एक्सरसाइजेस, फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी दैट आर एंटोनियम्स ऑफ दोज गिवन बिलो। बच्चे एंटोनियम्स, एंटोनियम्स क्या होता है, आप हिंदी में पढ़ते हो विपरीत शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, जिसका मीनिंग उल्टा हो, जैसे डे नाइट, मॉर्निंग इवनिंग। और सिनोनिम्स क्या होते हैं, जिनका मीनिंग सेम हो, जैसे हैप्पी प्लीज्ड। ठीक है, अब देखो यूथफुल, हमारी बुक की स्टोरी में फर्स्ट लाइन में आया था ना एल्डरली मॉन्क, तो यूथफुल का क्या बनेगा एंटोनियम्स, एल्डरली। क्या बनेगा, एल्डरली। क्रूएल काइंड, क्रूएल कौन होता है, जो बहुत निर्दयी होता है, तंग करता है सबको, और काइंड दयालु। नेस्टी टेस्ट, डेलीशियस। जेनरस स्टिंगिंग, मल्टीपल सिंगल। ठीक है, टू पार्ट फ्रॉम द स्टोरी, नोट डाउन द फॉलोइंग। ए पार्ट, टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर क्या होता है बच्चे, एक अकेला, और प्लूरल क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो अब इसमें सिंगुलर क्या था, बॉय मॉन्क, प्लूरल क्या था, डंपलिंग्स और पाइल्स, आया था ना ये वर्ड हमारी स्टोरी में। बी पार्ट, वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ नाउन इन द मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। देखो ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, जो हम बॉयज के लिए यूज करते हैं, मैन के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए यूज करते हैं, और फेमिनिन जेंडर जो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए यूज होता है, और न्यूटर जो इनमें से किसी में नहीं आता उसको बोलते हैं न्यूटर, ना कॉमन होता ना मैस्कुलिन होता ना फेमिनिन होता है। और हमने यहाँ पे कौन कौन से जेंडर देखने हैं, मैस्कुलिन जो मेल से रिलेटेड होते हैं, कॉमन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए, और न्यूटर जो मैस्कुलिन कॉमन और फीमेल किसी में भी ना आए। ठीक है, जो मैस्कुलिन कॉमन और फेमिनिन जेंडर में से किसी में भी ना आए।
मैस्कुलिन जेंडर। मॉन्क, मॉन्क जो है वो एक मैन था, ठीक है। कॉमन डम्पलिंग्स, ठीक है, कॉमन क्या है, डम्पलिंग्स। और न्यूट्रल पेपर, न्यूट्रल जेंडर में क्या लिखेंगे, पेपर, ठीक है। सी पार्ट, वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड अ कलेक्टिव नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है बच्चे, जो सभी के लिए लगता है, जैसे अगर सभी लड़के हैं तो सबको बॉय ही बोलेंगे, गर्ल्स है तो गर्ल ही बोलेंगे, ठीक है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर के लिए लगता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपको क्वालिटी बताए, एंड कलेक्टिव नाउन्स जो एक ग्रुप के बारे में बताए। जैसे कॉमन नाउन क्या है, बॉय, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एल्डरली, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन पाइल्स, ठीक है। डी पार्ट, टू एग्जाम्पल्स ऑफ डिटर्मिनर एंड अ नाउन। अब यहां पे डिटर्मिनर्स क्या हैं, एन ऑफन बॉय, इसमें से डिटर्मिनर क्या है, द बॉय, और नाउन क्या है, बॉय, ठीक है। ई पार्ट, वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अ पजेसिव प्रोनाउन एंड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पता है ना क्या होते हैं, जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। अब मुझे कहना है राम इज अ गुड बॉय, राम रीड्स इन फर्स्ट क्लास, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, तो बच्चे मैं यहाँ बार बार राम राम यूज कर रही हूँ, मुझे राम बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। राम एक नाउन है, तो मैं एक बार नाउन का यूज करके नेक्स्ट लाइन में उसके प्लेस पे क्या यूज कर सकती हूँ, प्रनाउन, और वो प्रनाउन क्या हो जाएगा, ही। राम इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज इन इंजीनियर्स पब्लिक स्कूल, ही रीड्स इन क्लास फर्स्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रनाउन क्या था, आई, ऑब्जेक्ट प्रनाउन देम, पोजेसिव प्रनाउन माइन, एंड रिफ्लेक्सिव प्रनाउन हिमसेल्फ। देखो मुझे सब्जेक्ट प्रनाउन, जिसके बारे में मतलब हम बात कर रहे हैं वो क्या है, आई, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रनाउन जब हम दूसरों की बात कर रहे हैं, ठीक, तो देम। पोजेसिव प्रनाउन क्या था, वो कह रहा था ना, दीज डम्पलिंग्स आर माइन, ये मेरे हैं, तो यहाँ क्या आ गया, माइन। और रिफ्लेक्सिव प्रनाउन जिसमें हम खुद को ही बोलते हैं, आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ, कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, जहां पे हिमसेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह के वर्ड आ जाए तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। तो बच्चे आज हमने स्टोरी पढ़ी, आप सबको अच्छी लगी स्टोरी, मजा आया, तो आप भी एक बार इसको रीड करोगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे।